वेलकम टू द इन फर्स्ट स्टोर हाउस। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फिट, फाइन एंड हेल्दी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गोलगप्पे की रेसिपी, जो एक बार पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज जो मैं शेयर करूँगी ना, दो तरह के पानी बनाए हैं, खट्टा और मीठा पानी, दोनों के साथ शेयर करूँगी। और इतने टेस्टी बने थे गोलगप्पे का जो एक्चुअल स्वाद है ना, तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक उसके खट्टे पानी पे, एक उसके मीठे पानी पे, और साथ में गोलगप्पे कितने क्रिस्पी बने हैं। तो ये तीन चीज़ें बहुत मैटर करती हैं गोलगप्पे बनाने में। तीनों चीज़ों पे पूरा ध्यान देंगे। बढ़िया सी वीडियो बनाई है आपके लिए, और जिस टेक्निक से मैंने इसमें पानी बनाना बताया है ना, वो टेक्निक फॉलो करके देखिएगा, इतना टेस्टी पानी बनके तैयार होगा, आप बाहर से खाना छोड़ देंगे। और वैसे भी आजकल जो मौसम है बरसात का, गर्मी का, उसमें जितना हो सके बाहर का खाना अवॉइड कीजिए, घर पर बनाइए। और घर पे जब इतना टेस्टी चीज़ें बनके तैयार हो जाती है, तो बाहर का खाना कौन खाना चाहेगा यार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से आज की वीडियो। सबसे पहले आपको पानी तैयार करना है। सबसे पहले पानी तैयार करके फ्रिज में रख देना। तो सबसे पहले हम तैयार करेंगे जो तीखा पानी होता है, उसमें पुदीना और धनिया हाफ हाफ रेशो में ले लेना। उसमें डाली है 3 से 4 हरी मिर्च, और इसको ग्राइंड कर लेंगे। और इसमें मैंने छोटा टुकड़ा अदरक का डाला था, वो भी डालना है। तो ये चार चीज़ें डाल के आपको ग्राइंड करके पेस्ट बना लेना है। इसको अलग रखते हैं। 1 घंटा पहले इमली भिगो के रख दी थी, तो इमली को अच्छे से मैश कर लेते हैं, ताकि इसका जो पानी है उसको अलग करना है, इसमें से पल्प जो है उसको निकाल देने हैं। तो ये हमारा इमली का पानी रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो मीठा पानी बनाने के लिए गुड़ को हमें बॉईल करना है। तो गुड़ को तोड़ तोड़ के मैंने कम से कम लिया था, इसमें अगर एक भगोना बनाना है, एक पतीला, कम से कम समझ लीजिए 2 लीटर अगर आपको पानी बनाना है, तो कम से कम आपको आधी किलो के आसपास, आधी किलो से थोड़ा सा कम रखिएगा गुड़, इतना आपको बॉईल करना है। उसके बाद ये जो जितना पेस्ट बनाया था पुदीने का, ये हमने एक बाउल में निकाल लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे इमली का पानी, क्योंकि तीखा और खट्टा ये दो चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए इसमें। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती जाती हूँ मसालों के बारे में। क्वांटिटी हम बाद में भी सेट कर सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच पानी पूरी मसाला डाला है, रेडीमेड आता है मार्केट में, आप चाहे तो वहाँ से ला सकते हैं, नहीं भी डालेंगे तो भी बहुत बढ़िया बनेगा। फिर डाला है मैंने 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच जीरा पाउडर इसमें डाला है, भुना हुआ जीरा पाउडर डाला है इसमें। इसमें डाला है नॉर्मल जो सॉल्ट होता है, फिर वो डाला है। 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर डाला है, इसमें डाला है लाल मिर्च पाउडर, देगी मिर्च है ये, क्योंकि तीखा ऑलरेडी है इसमें, तो तीखा मुझे बहुत नहीं चाहिए, कलर अच्छा चाहिए। इसको बहुत बढ़िया तरीके से मिक्स कर देंगे। और इसमें फिर ऐड करेंगे हम पानी। पानी ऐड आप, अगर इंस्टेंट गोलगप्पे आप सर्व करने वाले हैं तो ठंडा पानी ऐड करिए, अगर आप बाद में सर्व करेंगे तो इसमें आप नॉर्मल पानी ऐड करिए। नॉर्मल पानी से ना नमक वगैरह अच्छे से उसमें घुल जाएगा। और इसको फ्रिज में स्टोर कर देंगे। बूंदी हम अभी ऐड नहीं करेंगे, बूंदी बिल्कुल तब ऐड करते हैं जब सर्व करना होता है, क्योंकि बूंदी क्रिस्पी ही अच्छी लगती है। तो ये लीजिए हमारा जो ये पानी है रेडी हो गया। हींग इसमें ऐड करनी है, और हींग जो है, अगर थोड़ी खड़ी हींग है, साबुत साबुत सी, तो उसको पानी में घोल के ऐड करिएगा। अगर पाउडर्ड है तो उसको ऐसे ही ऐड कर सकते हैं। सब चीज़ें ऐड कर दी, अच्छे से सब मिक्स कर लीजिए और टेस्ट कर लीजिए। स्टोर करने से पहले टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा, कुछ भी अगर कम है तो उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये गुड़ भी हमारा मेल्ट हो गया अच्छे से, देखिए। अब इसमें इमली का पानी ऐड करेंगे, जितना भी था मैंने सारा पानी अब इसमें ऐड कर दिया है। अब ये देखिए कलर थोड़ा थोड़ा आ गया ना, सोंठ जैसा कलर। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, तो पानी पूरी मसाला 1 चम्मच ऐड करा है, बिल्कुल जैसे पहले मसाले ऐड करे थे वैसे ही हैं। काला नमक, नॉर्मल नमक, जीरा पाउडर, फिर काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हींग डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। तो मसाले ऑलमोस्ट बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमने पहले ऐड करे हैं। ये सारी चीज़ें डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये लास्ट में मैंने हींग ऐड कर दी है। अब इसमें ज़रूरत अनुसार पानी इसमें ऐड कर लेंगे, और टेस्ट कर करके इसकी जो भी चीज़ें इसमें कम लगे, खट्टा कम लगे या मीठा कम लगे, मीठा कम लगे तो चीनी ऐड कर लेना, खट्टा कम लगे तो नींबू ऐड कर लेना। जैसे मैंने इसको टेस्ट करा था तो मुझे थोड़ा खट्टा कम लगा था, इमली ख़त्म हो चुकी थी तो मैंने इस स्टेज पर नींबू ऐड कर लिया था, और टेस्ट सूप सुपर्ब टेस्ट था, सुपर्ब टेस्ट, क्योंकि आप कंसिस्टेंसी को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं।
दोनों पानी फ्रिज में स्टोर करने के बाद अब बारी आती है गोलगप्पे की। और गोलगप्पे बनाने के लिए हमने ली है बारीक वाली सूजी और इसमें ऐड किया है हमने बिल्कुल एक चम्मच रिफाइंड। अच्छे से मिक्स करेंगे और हल्का गुनगुने पानी से इसको गूंथेंगे। और सूजी का काम ना मैं मतलब अपने ये वाला जो काम है ना सूजी गूंथने वाला, ये मैं अपने हस्बैंड को देती हूँ क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड से इसको बनाना है भाई, बहुत मेहनत करके इसको गूंथना है। जितना अच्छे से ये गूंथेगी ना उतना ही परफेक्ट आपके गोलगप्पे बनेंगे। पटक पटक के गूंथना है इसको, पटक के फिर मतना है, पटक के फिर मतना है, मतलब लगे ही ना कि ये सूजी थी, बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे ये आटा या मैदा था। तो इस लेवल तक का गूंथना होता है। और उसके बाद अब इसे छोटी छोटी लोइयां बना के इसको शेप देनी है गोलगप्पे की। मैं आपको एक सजेशन दूंगी, अगर आप पहली या दूसरी बार ट्राई कर रहे हैं तो प्लीज़ गोलगप्पे की शेप को ना कोशिश करिए गोल रखने की, इसको लंबा मत बनाइए। अगर आप अभी नोटिस करेंगे तो लंबे होते हैं ना वो अपने आप से पलट जाते हैं और फिर वो दोबारा उल्टा नहीं पलटते, जिससे कि क्या होता है एक साइड तो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है और ऊपर की लेयर बहुत पतली रह जाती है। तो ये चीज़ ना हो इसके लिए कोशिश करिए गोल बनाने की। अगर आप गोल बनाएंगे ना तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसे मर्जी अलट पलट कर सकते हैं, लेकिन ये ज़िद्दी होते हैं, ये लंबे वाले गोलगप्पे हैं ना ये ज़िद्दी होते हैं, कितनी कोशिश कर लो ये नहीं पलटते। तो इसे बाय हैंड इसी तरह से लगातार पलटना पड़ता है। गोलगप्पे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो गरम गरम अगर आप उनको तोड़ेंगे ना तो वो क्रिस्पी नहीं लगेंगे, तो उनको ठंडे होने दीजिए। कई बार क्या होता है कि हम गरम गरम पे उनको फोड़ने लगते हैं फिर देखते हैं अरे ये तो सॉफ्ट है, बेकार हो गई, मेहनत बेकार हो गई। बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा ठंडे हो जाएंगे तो अपने आप वो क्रिस्पीनेस आ जाती है। तो जब बिल्कुल सर्व करने का टाइम आएगा तो उस टाइम हमें बूंदी ऐड करनी है इसमें, क्योंकि बूंदी क्रिस्पी क्रिस्पी जब गोलगप्पे के अंदर आती है ना पानी के साथ में, तो उसका टेस्ट में बहुत बहुत अंतर होता है। क्योंकि पहले से ऐड कर देंगे ना तो बूंदी सारा पानी सोख लेती है तो सील सी जाती है, वो मज़ा नहीं आएगा फिर। बल्कि आई एम द पर्सन जो दही या रायते में भी बूंदी बिल्कुल तब ऐड करते हैं कि जब बिल्कुल खाना होता है, तो वो क्रिस्पीनेस आनी चाहिए ना तभी मज़ा आता है। तो लीजिए दोनों तरह का पानी बिल्कुल रेडी हो चुका है। और छोले उबाल लीजिएगा, एक रात पहले भिगो के रख लीजिए, उबाल लीजिए और आलू बॉईल कर लिए, दोनों चीज़ों को मिक्स कर लिया है और बिल्कुल तैयार है हमारे गोलगप्पे। और ये एक ऐसी रेसिपी है ना, अगर हम किसी को खाते हुए भी देखेंगे ना मूवी में या सीरियल में या कहीं भी, तो खुद ब खुद अंदर से एक आवाज़ आती है, जैसे आत्मा एक आवाज़ देती है आज क्यों ना गोलगप्पे खाए जाए। तो जब मैं ये वीडियो वॉइस ओवर कर रही हूँ ना उस टाइम मेरा फिर से मन कर रहा है मैं फिर से गोलगप्पे बनाऊँ और खाऊँ। तो चलिए ये काम तो बिल्कुल मेरा रेडी हो चुका है। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 बना के ज़रूर देखिएगा। ये देखिए गोलगप्पे की क्रिस्पीनेस, इसकी आवाज़ में एक जादू है। ये जो कटर कटर आवाज़ होती है ना, ये इतनी मज़ेदार आवाज़ होती है, वाह वाह, मतलब अब तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मैं भी गोलगप्पे खाऊंगी। और गोलगप्पे बहुत टेस्टी बने थे, सुपर्ब यमी थे। रेसिपी ट्राई ज़रूर करिएगा, मौसम भी बहुत अच्छा है आजकल, तो ऐसे मौसम में कुछ इस तरह की चीज़ें घर पर ही बनी बनाए मिल जाए। थोड़ी सी मेहनत लगती है, हर मेहनत किस काम में नहीं होती, हर काम में होती है, राइट। तो चलिए ये थी आज की वीडियो, पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय। और मैं कर रही हूँ गोलगप्पे इन्जॉय, आपसे मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।